एकविंश शताब्दी भारतर विकसित भारत गठन करिबा दायित्व समस्तंकर। उत्तराखंडे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट रे सामिल होईछि एकथा कहिछन्ति प्रधानमंत्री। तेबे उत्तराखंडर विकास यात्रा रे सामिल हेबाकु निवेशकमानंकु आवेदन करी मोदी कहिछन्ति एकविंश शताब्दीर तृतीय दशक हेब उत्तराखंडर। 21वीं शताब्दी का तीसरा दशक ये उत्तराखंड का दशक है, मेरे शब्द लिख के रखिए। विंश शताब्दीर तृतीय दशक उत्तराखंड। उत्तराखंडे डबल इंजिन सरकार को डबल प्रयास चारिआड़े प्रतिफलित। उत्तराखंडे पूंजी निवेश पाई द्वार खोला। उत्तराखंडे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट रे मोदी को बड़ा आह्वान कहिले एबे भारतर समय आसंता किछि वर्षरे विश्वर तृतीय बृहत अर्थनीति हेबाकु जाउछि भारत। आउ एभली समय रे उत्तराखंडर विकास यात्रा रे सामिल हेबाकु निवेशक मानको अपील करछन्ती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहिछन्ती अपार संभावना थिबा राज्य उत्तराखंड, एठार थिबा डबल इंजिन सरकार को डबल प्रयास सबु दिगरु प्रतिफलित, जहाँ देखिए ठेरे भारत सरकार एकविंश शताब्दीर अत्याधुनिक कनेक्टिविटी एवं इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में काम करछंती। से समय बेसी दूर नुहे जेबे दिल्ली डेराडून मात्र अढ़े घंटार यात्रा हेबो। संयोगीकरण द्वारा लोकों जीवन और व्यापार सहज साध्य हेबो बोली कहिछंती मोदी। उत्तराखंडे डिग्निटी एवं डेवलपमेंट दुईट जाकर अनुभव एकासंगे करिहुतबा कहिछंती मोदी। साथियों, उत्तराखंड वो राज्य है जहाँ आपको डिविनिटी और डेवलपमेंट दोनों का अनुभव एक साथ होता है। सामर्थ्य से भरी ये देवभूमि निश्चित रूप से आपके लिए निवेश के बहुत सारे द्वार खोलने जा रही है। देश भी आत्मविश्वास भरा प्रेरणा पाई उत्साहित होवार समय। विकसित भारत गठन करिबा दायित्व समस्तंकर हेबा उचित। उत्तराखंडर मध्यवित्त एक बड़ मार्केट सृष्टि करि पारछन्ती। उत्तराखंड स्थानीय उत्पाद को विदेश रे बिक्री रो व्यवस्था प्रशंसनीय, याकु वोकल फॉर लोकल को बड़ शक्ति देउछि। टूरिज्म क्षेत्र रे उत्तराखंड एक ब्रांड भाबे उभायतुवा कहिछन्ती मोदी। खेती हो या फिर टूरिज्म, हर सेक्टर के लिए नई संभावनाएं खुल रही है। लॉजिस्टिक्स हो, स्टोरेज हो, टूर ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी हो, इसके लिए यहां नए रास्ते बन रहे हैं। और ये हर नया रास्ता हर इन्वेस्टर के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। उत्तराखंड रे पतंजलि पक्षरु हेबो 10,000 कोटी रो निवेश। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट रे घोषणा करछन्ती जोगगुरु स्वामी रामदेव। या एबे सुधा उत्तराखंड सबुठ बड़ निवेश बोली कहिछन्ती रामदेव। यहाँ अन्य कॉर्पोरेट हाउस को निवेश पई आह्वान करथले रामदेव। गत 5 वर्षरे उत्तराखंड अप्रत्याशित भावे परिवर्तन आसथिबा कहिछन्ती आदानी एंटरप्राइजेस रो निर्देशक प्रणव आदानी। उत्तराखंड नेचुरल गैस उपलब्ध कराइबो आदानी ग्रुप। 200 सीएनजी बस, 1700 कोटी अंबुजा सीमेंट संप्रसारण एवं ऋषिकेश और डेराडून मध्ये 1400 कोटी टंका ग्राइंडिंग यूनिट खर्च ने घोषणा करछन्ते प्रणव आदानी। उत्तराखंड निवेश सुरक्षित बोली कहिछन्ते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मैं प्रधानमंत्री जी के सामने जितना अभी तक हमने उत्तराखंड में निवेश किया और यहाँ पर लोगों को रोजगार दिया, आगे भी करीब 10,000 करोड़ रुपए का नया निवेश और 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार पतंजलि देगा, ये आपके सामने अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री जी का इतना बड़ा व्यक्तित्व, बातों को ईर्ष्या होती है, लेकिन ये व्यक्तित्व अर्जित करने के लिए उन्होंने कितना कुछ सेक्रीफाइस किया है। करेंटली आवर प्रेजेंस इन उत्तराखंड स्पैन्स सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन and cement manufacturing. Through IOAGPL, our joint venture between Indian Oil and Adani Total Gas, we are providing natural gas to all consumer segments, including domestic, industrial and commercial. Also, to facilitate the transition to have 15% natural gas in India's energy mix by 2030, we propose to convert 200 state buses
to environmentally friendly CNG buses, thus contributing to keeping Uttarakhand the way it is now, green and clean. हमारी युवा पीढ़ी को राज्य के अंदर ही रोजगार भी देने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं. हमारे पास सामर्थ्य है और यही विश्वास हम अपने निवेशकों को भी दिलाते हैं. भाइयों बहनों, एक ओर डबल इंजन का मजबूत इरादा, दूसरी तरफ संभावनाओं से भरा हुआ उत्तराखंड, इससे बेहतरीन कॉम्बिनेशन शायद ही कहीं और मिले. उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट रे एबे सुद्धा 2 लाख कोटी टंकार निवेश प्रस्ताव आसछि. आगकु ए निवेश आहुरी बढ़िव बोली आशा रखिछन्ति उत्तराखंड सरकार. ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज. जदि आपणको आम भिडियोटि भल लागिला तेबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं.